वो चीजें जन्म दे रही है। हम आज नैब कोर्ट में खड़े हैं, मामूल ना नैब पेश हुआ, ना कोई गवाह आई, ना प्रोसिक्यूटर आया। हम तो पहले दिन से ये कह रहे हैं कि हमें कोई कानून का सहारा नहीं चाहिए, आप इनके केस चलाएं, पाकिस्तान के अवाम को बताएं कि यहाँ कौन सी करप्शन हुई है, कौन सी मिस यूज ऑफ अथॉरिटी हुई है। आज मुझे बहुत अफसोस हुआ कि सिंध के जो आईजी पुलिस थे, जिन्होंने यहाँ से दहशतगर्दी को और स्ट्रीट क्राइम को खत्म करने में बहुत अहम किरदार अदा किया था, वो भी आज 7 साल से इन्हीं अदालतों का चक्कर लगा रहे हैं। यानी कोई आदमी भी इन मामलों से महफूज नहीं है। आज एक साबिक चीफ सेक्रेटरी सिंध भी मिले जो 7 साल से यहाँ अदालतों का चक्कर लगा रहे हैं। ये वो मामलात हैं जिनकी निशानदेही हम हमेशा करते हैं। अगर हम ये चीज़ें ख़त्म नहीं करेंगे तो मुल्क के मामलात नहीं करेंगे। आज मैं फिर वज़ीर-ए-आज़म साहब से गुजारिश करूँगा इस लैब के इदारे को ख़त्म करें, वरना पाकिस्तान की हुकूमत नहीं चलेगी। आज जो माशी बदहाली है, जो इंतजामी बदहाली है, जो सियासी बदहाली है, इसकी बुनियादी वजह ये लैब का इदारा है, जो सिर्फ इसलिए बनाया गया था कि मुल्क में सियासत पर उस वक्त के हुक्मरान बगैर आईनी हुक्मरान थे, वो इस मुल्क की सियासत पर कब्जा कर सकें। और आज ये बदकिस्मती है कि 3 जमहूरी हुकूमतें गुजरने के बावजूद भी ये इदारा कायम है और मुल्क के मामलात पर असरअंदाज होता है। आज जरूरत इस बात की है कि जो जुल्म नैब के इदारे ने किया उसके हकाइक भी अवाम के सामने आए, क्योंकि मुझे इस बात में कोई शुबा नहीं है ये पाकिस्तान का सबसे करप्ट और सबसे मामलात को ख़राब करने वाला इदारा है। हुकूमत का निज़ाम मफलूज है, हुकूमत के जो एहलकार हैं उख्तियारात कर इस्तेमाल करने से घबराते हैं। ये वो मामला है जिन्हें हमें समझने की ज़रूरत है। आज हर आदमी सवाल करता है कि मीशत में बदहाली क्यों है, जो हुकूमत फैसले ना कर सके, जब अफसर सबसे बेहतर इस चीज़ को जाने, जब कोई फैसला ना करने सकें तो फिर मुल्क के मामला नहीं करें। आज अफसर जब भी तो फाइल आती है, वो बात तो शायद मजाक में करते हों लेकिन बात होती संजीदा है। वो तो कहते हैं समरी में मेरे वकील की फीस भी इसके अंदर लिख दें कि जब उसमें केस बनेगा तो ख्वाजा नबी साहब को जो फीस देनी होगी वो भी उसके अंदर शामिल हो। ये आज मुल्क के मामला, हालांकि ख्वाजा नबी साहब हमसे कोई फीस नहीं ले, ये बात जिक्र कर दो क्योंकि मेहरबानी है। और ये हमारा जो नया का तजर्बा है, ये अभी 23 साल में मुहित है। हम मैं और ख्वाजा साहब 23 साल से मुख्तलिफ नैब की अदालतों में अब पेश होते रहे हैं, और नैब के जो चंद पहले केस बने थे उनके अंदर भी हमारा ही केस था। तो हमें तो कोई वो सियासतदान जो होते हैं उनकी थोड़ी बर्दाश्त का मामला ज़्यादा होता है, लेकिन हमें बहुत दुख होता है देख कर उन अफसरान को, उन इस मुल्क के सनतकारों को, उन लोगों को जो इस मुल्क की खिदमत करते रहे, जो इस मुल्क को टैक्स देते हैं, आज वो साल हर साल नैब की अदालतों में बैठे होते हैं। ये वो मामलात हैं। अगर नैब के पास कुछ है तो केस चलाएं और मामले को ख़त्म करें, डे टू डे हियरिंग करें, मामले को ख़त्म करें। जब अभी ये बात होती है कि फलाने को गिरफ्तार किया जा रहा है, मैं उसे भी कहता हूँ कि गिरफ्तारी की कोई ज़रूरत नहीं है, आपने केस बनाए हैं तो केस मुकम्मल है, चालान पेश करें और केस को चलाएं ताकि अवाम के सामने हकायक आ जाए। हम पहले जो मेरे ऊपर नैब का केस था, मैं और ख्वाजा साहब 9 साल अदालतों में पेश होते रहे, कोई और नहीं आता था, आज 4 साल हो गए अदालतों में पेश होते हैं। लेकिन
इसके असरात जो मुल्क के मामलात पर होते हैं उसका आपको अंदाज़ा नहीं है। जो किसी के रात पर या खानदान में जो मामलात होते हैं किसी को अंदाज़ा नहीं है। ये जैसे जावेद इकबाल को जवाब इन बातों का देना पड़ेगा। देखिए उनका नाम लेते हुए कोई अच्छा महसूस नहीं होता, लेकिन जब तक इस आदमी का एहतसाब नहीं होगा, जब मैप के हकाइक अवाम के सामने नहीं आएंगे तो मुल्क के मामलात नहीं चलेंगे। जनाब ये नैब का करैक्टर तब्दील हुआ भाई, एक साल पुराना करैक्टर है, ये अभी भी चल रहा मामला है उसकी तरफ। ये करैक्टर की बात नहीं है, ये एक इदारा इसकी बुनियाद ही खराब है। आप वहाँ फरिश्तों को बैठा दें वो काम गलत ही करेंगे। अबाजी साहब भी इत्तेफाक करते हैं, बिल्कुल सही। अबाजी साहब जो लोग सुनना चाहते हैं आपसे वो ये है कि नून लीग का हिस्सा आप हैं या नहीं है, मरियम नवाज साहब आपकी मुलाकात हुई, मामलात आपके तय हो गए, क्या एक वन लाइनर बता दें, आप मरियम नवाज की क्यादत में काम करने के लिए तैयार हैं नून लीग में? आपके सवाल इसी तरह आपने किए थे, मैं 35 साल से नून लीग के साथ हूँ, ये मेरी जमात है और यहाँ से मैं घर ही जाऊँगा। मैंने कभी सियासत में ना किसी अमीर को कबूल किया है ना किसी और को कबूल किया, मेरे लीडर नवाज शरीफ साहब, मेरे कोई मामला मुस्लिम लीग नून के साथ नहीं है, मेरी कोई तहफात नहीं है, कोई नाराजगी नहीं है। मैंने जिंदगी में कभी पार्टी का अहदा नहीं रखा था, 31 साल तक बगैर अहदे के था, मुझे 2019 में अपोजिशन में ये जिम्मेदारी पार्टी में सौंपी, मैंने निभाई है। लेकिन जब पार्टी में एक जनरेशनल चेंज आती है तो फिर ये सबसे बेहतर फैसला यही होता है कि जो भी नई लीडरशिप आए उसको मौका दिया जाए कि वो काम कर सके। मेरा भी यही फैसला है, मैं जमात के साथ हूँ, जो शावरत जो मदद जो जिम्मेदारी उस जमात सौंपेगी उसके लिए तैयार है, मेरे लीडर नवाज शरीफ साहब। अच्छा शाह साहब, आप जब मीडिया से बात